नशेड़े बेटी की करतूत से तंग आकर लखनऊ में एक बाप ने अपने ही खून का कत्ल कर दिया। सनसनीखेज वारदात में आरोपी बाप खुद ही थाने पहुंच गया और कहा, साहब मुझे गिरफ्तार कर लो। अचानक इस तरह के कबूलनामे के बाद पुलिस भी सकते में आ गई। हालांकि तफ्तीश में यह जब बात साफ हो गई कि बुजुर्ग ने अपने बेटे का कत्ल किया है, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि नशे के आदि हो चुके बेटे की करतूत ने बुजुर्ग को झकझोर दिया था। यही वजह थी कि तंग आकर बुजुर्ग ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली घटना ठाकुरगंज के निवासगंज इलाके की है। यहाँ के रहने वाले बुजुर्ग बिरजू कनौजिया अपने 35 वर्षीय बेटे लक्ष्मण से काफी परेशान हो चुके थे। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण आए दिन नशे में धुत होकर अपने पिता बिरजू से मारपीट करता था। यह सिलसिला लगातार जारी था। घटना वाले दिन भी नशे में धुत होकर घर पहुंचे लक्ष्मण ने पिता बिरजू से रुपए की मांग की थी और ना देने पर उनसे मारपीट करने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गया था। इसी बीच मौका पाकर बुजुर्ग ने अपने बेटे के सिर पर मूसल से वार कर उसकी हत्या कर दी और खुद ही थाने पहुंचकर जुर्म को कबूल कर लिया। आरोपी के बाप की तस्दीक करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को चारपाई पर खून से लथपथ उसका बेटा मिला था, जिसको आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। मोहल्ले में एक राजू नाम के व्यक्ति ने सूचना दिया कि उसके पिता और उसके भाई में लगातार झगड़ा होता था और आज भी सुबह कोई बात हुई थी, दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था और उसी के परिणामस्वरूप आज उसके पिता ने उसके भाई को एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार दिया है। इस पे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, टीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ से ट्रामा ले जाया गया जहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। इस सूचना पे थाना ठाकुरगंज पे FIR पंजीकृत कर ली गई है और जो घटनास्थल है, घटनास्थल पे हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है, फॉरेंसिक टीम है, वो उसके द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। वहाँ से जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट की जा रही हैं, जो एविडेंस वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिस चीज़ से उसको मारा गया है उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। जो अभियुक्त इसमें पिता है जिसने अपने पुत्र की हत्या की, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। लखनऊ से जनमत न्यूज़ के लिए अमिताभ चौबे की रिपोर्ट।